हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो अगेन ये वीडियो सीएमए फाउंडेशन वालों स्टूडेंट्स के लिए है जो 6th ऑफ सितंबर को टेक्निकल रीजन की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए कि अगर टेक्निकल इशू की वजह से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए हो तो इंस्टीट्यूट 11th ऑफ सितंबर यानी कि कल, आज 10 सितंबर है यानी कि कल आपका वापस से एग्जाम ले रहा है। उसमें कई बच्चों की मेरे को क्वेरी आई थी कि सर पास की वापस से मिलेगी क्या, सर मेरा एग्ज़ाम तो हो गया था लेकिन मेरा फलाना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, सर मेरे को ये इंस्टीट्यूट की तरफ से एसएमएस आया है मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह। और एक सबसे बड़ी बात ये आई थी कि सर इंस्टीट्यूट का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया इसके रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम आपका वापस हो रहा है 11th में। तो मैं बताना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। इंस्टीट्यूट को जिन जिन स्टूडेंट्स का लगा कि टेक्निकल रीजंस की वजह से, वो कैसे उन्हें रिकॉग्नाइज किया इंस्टीट्यूट को पता है कि कौन कौन से बच्चे का टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया 6th ऑफ सितंबर को। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, वापस से जिन जिन लोगों का उनको रिकॉग्नाइज हुआ है उनको उनने पर्सनली उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एसएमएस भेजा है, वापस से उनको बताया कि 11th ऑफ सितंबर को एग्जाम हो रहा है एंड दोनों सेशन के लिए अलग से पास की भेजी है। आपको कुछ इस अकॉर्डिंग मैसेज आएगा, ये देखिए, डियर स्टूडेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, आपका फाउंडेशन एग्जाम 11th 9th 20 को वापस से अरेंज किया है टेक्निकल, अरेंज ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। पास की अलग से आपको मिलेगी 10 से 12 बजे के लिए, ठीक है, उसके बाद 2 से 4 के लिए अलग से पास की मिलेगी। और बोला अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने इन्विजिलेटर को कांटेक्ट कर लो। और बोला कैंडिडेट को सारे के सारे चारों पेपर बोथ सेशन में अपियर करना है। और गाइडलाइन जो थी 6 सितंबर को जो गाइडलाइन दी थी ना, 6 सितंबर को जो गाइडलाइन दी थी वही कट टू कट वही गाइडलाइन रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ में बेस्ट ऑफ लक दिया इंस्टीट्यूट ने। सो दिस वॉज द नोटिफिकेशन तो नहीं, एसएमएस आएगा आपको। तो अगर किसी को एसएमएस नहीं आया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ICMAI की रिस्पेक्टिव 4 मेल आईडी दूंगा जो हेल्प डेस्क है या एग्जाम से रिलेटेड है। अगर नहीं आया है तो कल एग्जाम है और आपका वाकई में अगर टेक्निकल इशू हुआ है और उसकी वजह से आप अगर एग्जाम नहीं दे पाए थे और आपको एसएमएस भी नहीं आया है, तुरंत जाइए उसमें मेल कीजिए, गिवन नंबर वहां पे सारी चीज रहेगी। इवन आपका जो 6 सितंबर वाली गाइडलाइन थी ना उसमें भी नीचे उनने 4-5 लोगों के नंबर दिए थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और मेल आईडी भी है। तो अगर बाय मिस्टेक वाकई में आपका कुछ जेन्युइन टेक्निकल रीजन था और उसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए थे बट वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और आपको ये एसएमएस नहीं आया तो उस सिचुएशन में आप क्या करिए, तुरंत वहां मेल करिए, हेल्प डेस्क में कॉल करिए और बताइए, प्रोबेबली आपको दोबारा चांस मिल जाए। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है लॉ वाला, उसका 30 मार्क्स का एथिक्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अलावा जितने भी लॉ के MCQs थे मॉड्यूल के पीछे वो सब मैंने करवा के लिए। सो यू स्टिल हैव अ टाइम कि आप उनमें से जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी पढ़ने में तो आप पर्टिकुलर लेक्चर में जाके फॉरवर्ड और रिवर्स करके आप उसको देख सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये सारे उन बच्चों को प्लीज आप शेयर करिएगा जिसका टेक्निकल रीजन की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।